हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। देश में मिले कोविड-19 के 23,529 नए मामले, पिछले दिन से 25% अधिक, हुई 311 लोगों की मौत। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 23,529 नए मामले मिले हैं, जो कि पिछले दिन से 25% अधिक हैं, और संक्रमण के चलते 311 लोगों की जान गई है। कोविड-19 के सक्रिय मामले 2,77,020 हो गए हैं, जो कि 195 दिनों में सबसे कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 28,718 मरीज रिकवर हुए हैं। शाह से मुलाकात के बाद कैप्टन ने कहा, किसान आंदोलन पर हुई चर्चा, तत्काल समाधान का किया आग्रह। जी हां, भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार ने कहा कि दोनों नेताओं ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों द्वारा लंबे समय से चल रहे आंदोलन पर चर्चा की है। प्रियंका के सलाहकार ने कहा, बाहर से आए सिद्धू को पंजाब कांग्रेस चीफ बनाना बहुत बड़ी गलती थी। जी हां, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के राजनीतिक सलाहकार विभाकर शास्त्री ने कहा कि बाहर से आए नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष जैसा बड़ा पद देना बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने कहा कि बाहर से आया व्यक्ति भाषण अच्छा दे सकता है, लेकिन संगठन नहीं चला सकता। उन्होंने कहा कि सिद्धू को सबसे पहले पार्टी से निकाल देना चाहिए। मुंबई के स्कूल 4 अक्टूबर से कक्षा 8 से 12वीं के लिए फिर से खुलेंगे। जी हां, आपको बता दें कि बीएमसी ने कहा कि मुंबई के स्कूल 8वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए 4 अक्टूबर से शारीरिक शिक्षा के लिए फिर से खोलने के लिए तैयार हैं। ये घोषणा मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर द्वारा पिछले हफ्ते दिवाली के बाद मुंबई के स्कूलों को फिर से खोलने के संकेत के बीच आई है। पंजाब में भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों को दी जाएगी सरकारी नौकरी। जी हां, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि राज्य के जो खिलाड़ी भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा हैं, उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने इसके लिए खेल विभाग को कैबिनेट की अगली बैठक में एजेंडा लाने का निर्देश दिया है। इससे पहले खेल मंत्री परगट सिंह ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम द्वारा पदक जीतना दुर्लभ उपलब्धि करार दिया था। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, पंजाब सीएम ने मुझे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। जी हां, नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटने के कुछ दिनों बाद कांग्रेस पार्टी उन्हें अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए मनाने की कवायद में जुटी हुई है। शेयर किए गए एक ट्वीट में सिद्धू ने कहा कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने उन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। दिल्ली में रेस्तरा ने साड़ी पहने महिला को प्रवेश से किया था वंचित, अब उसका लाइसेंस हुआ रद्द। जी हां, दिल्ली में एक्विला रेस्तरा एक बड़े विवाद में फंस गया है, जब एक महिला ने शिकायत की थी कि उसे साड़ी पहनने के लिए प्रवेश से मना कर दिया गया था। अंसल प्लाजा के रेस्तरा ने लाइसेंस को लेकर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा बंद करने का नोटिस जारी किए जाने के बाद अब दुकान बंद कर दी है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।